हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजू। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप नाभि में तेल लगाने से 80 प्रकार के वातज और 40 प्रकार की पित्तज यानी कि आप 120 बीमारियों से बच सकते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या सवाल आएगा? यही ना कि बना नाभि में तेल लगाने से कोई कैसे बीमारियों से बच सकता है, और फिर नाभि में ऐसा क्या है जिसमें तेल लगाया जाए तो आप सर से लेकर पांव तक की अनेकों बीमारियों से बच सकते हैं। आप में से काफी लोगों ने देखा होगा कि पहले जो घर में बुजुर्ग होते थे वो नाभि में सरसों का तेल लगाते थे और उनके होंठ है वो कभी नहीं फटते थे। कुछ लोग है वो शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है वो नाक में उसकी बूंद टपकाते थे और एक लंबा स्वस्थ जीवन जीते थे, क्योंकि वो हमारे जो शास्त्रों में बताए अनुसार आयुर्वेद को फॉलो करते थे। और आयुर्वेद में ऐसी अनेक सारी विधियां बताई गई है जिसमें आप बिना मेडिसिन खाए भी बीमारियों से बच सकते हैं और एक लंबा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। जैसे कि कर्णपूर्ण, इसमें कान संबंधित अगर कोई समस्या है तो कान में तेल टपकाया जाता है। इसी तरह एक है नाभि पूरण। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो नाभि है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है। तो इसके लिए पतंजलि योग सूत्र के चैप्टर नंबर 3 में बताया गया है, नाभि चक्र काय व्यूह ज्ञानम, यानी कि जो नाभि चक्र है उसमें संपूर्ण काय यानी कि संपूर्ण शरीर का ज्ञान है वो छुपा हुआ है। जो हमें जीवन दान है वो कहाँ से मिला? नाभि से। देखिए, जो बच्चा है वो माँ के गर्भ में होता है तो उसको पोषण कहाँ से मिलता है? नाभि नाल, यानी कि अम्बिलिकल कोर्ड से मिलता है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए या फिर ब्लड सप्लाई चाहिए माँ के पेट में, उसको वो नाल से ही मिलती है ना, या फिर उसके रोए से लेकर के जो पूरे बॉडी का डेवलपमेंट है वो नाल से ही हो रहा है। प्राण डालने का काम यानी कि जब गर्भ में बच्चे का दिल धड़कना स्टार्ट होता है तो वो काम भी नाभि नाल के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए जन्म से ही जो नाभि है उसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंस का कारण है वो है कि जो नाभि है उसको अग्नि का स्थान कहा गया है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो हमारी अग्नि है यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर है उसका समान अवस्था में रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है शांते अग्नो म्रियते, यानी कि अगर किसी की अग्नि शांत हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा आयुर्वेद में नाभि को सद्योप्राण हर मर्म कहा गया है। मर्म यानी कि वाइटल्स ऑर्गन, और सद्योप्राण हर मर्म यानी कि वो ऑर्गन या फिर वो स्थान जहाँ पर अगर चोट लग जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। नाभि को भी सद्योप्राण हर मर्म बोला गया है। नाभि है उसके अंदर से 72,000 नाड़ियां निकलती है जो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार करती है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि जो नाभि है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है और हमें नाभि पूर्ण क्यों करना चाहिए। अब देखते हैं कि नाभि पूर्ण क्या होता है और इसको कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है, और आप कौन सी बीमारी में कौन सा तेल का यूज कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में वात दोष पड़ा हुआ है और वात दोष के बढ़ जाने की वजह से अगर कहीं पर भी दर्द हो रहा है, यानी कि अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है या फिर पेट में दर्द हो रहा है, पेट में फाफड़ा सा रहता है या पेट हमेशा फूला सा रहता है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, हमेशा कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, ऐसी कंडीशन में अगर आप नाभि पूर्ण करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो शरीर में ड्राइनेस बढ़ गई है, ड्राइनेस यानी कि रुक्षता, और जो रूखापन है वो वात का मेन गुण होता है। बॉडी में अगर ड्राइनेस बढ़ गई है जिससे आपके बाल है वो बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, होंठ है वो बहुत ज्यादा फट रहे हैं, स्किन है उसमें बहुत ज्यादा रिंकल्स हो गए हैं, ऐसी कंडीशन में भी नाभि पूर्ण करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कुछ महिलाओं में वात दोष बढ़ जाने की वजह से हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है जिससे पीरियड्स के समय उनको बहुत ज्यादा पेन होता है, या फिर पीरियड्स के समय ब्लीडिंग है वो बहुत कम होती है, पीरियड्स है वो डिले रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी नाभि पूर्ण करना है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। या फिर कुछ लोगों में है स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है या फिर बहुत ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति होती है, नींद नहीं आती है, एंग्जायटी बनी रहती है, ये सभी के चंचल गुण की वजह से होते हैं, और जो चंचलता है वो वात की वजह से होती है। इस तरह की जो मानसिक डिसऑर्डर्स है उनमें भी नाभि पूर्ण करना है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। अगर वात दोष की वजह से आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आपको नाभि पूर्ण करने के लिए तिल का तेल का यूज करना चाहिए, क्योंकि जो तिल का तेल है उसको आयुर्वेद में वात शामक बताया गया है। तो अगर शरीर में वात दोष बढ़ जाने की वजह से आपको कोई भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आपको तिल का तेल का यूज करना चाहिए, क्योंकि तिल के तेल को आयुर्वेद में वात के लिए बेस्ट माना गया है। इसके अलावा आप कुछ मेडिकेटेड ऑयल है जैसे कि महानारायण तेल है, क्षीर बला तेल है, या फिर बला अश्वगंधा तेल है, इन सब का भी यूज कर सकते हैं। जिन लोगों के शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है उनको नारियल का तेल या फिर गाय का घी का यूज करना चाहिए, क्योंकि जो नारियल का तेल होता है या फिर गाय का घी होता है उसको पित्त शामक कहा गया है और वो पित्त बीमारियों का शमन करता है। जिन लोगों के शरीर में पित्त दोष बढ़ने से बहुत ज्यादा जलन रहती है, सीने में जलन रहती है या फिर पेट में जलन रहती है,
हाथ पैरों में जलन रहती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, स्किन में रेसेस अगर बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसे में अगर आप गाय के घी से या फिर नारियल तेल से नाभिपूर्ण करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। जिन लोगों में कफ दोष अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उन लोगों को नाभिपूर्ण करने से बचना चाहिए। इस तरह से आप नाभिपूर्ण करके बिना मेडिसिन खाए अनेकों बीमारियों से बच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। धन्यवाद।